Hello students, today we are going to start up with our new chapter. The name of this chapter is How Do Organisms Reproduce? We have completed with the chapter Life Processes. As well, we have completed the chapter Control and Coordination. Up to next semester we are going, and the first chapter of our next chapter next semester is How do organisms reproduce? Reproduction is the ability of living organisms to produce living beings similar to themselves. ठीक है? Reproduction में क्या होता है कि एक हाथी है वो हाथी बनाता है, एक काऊ है वो काऊ बनाती है, एक कैट है वो कैट बनाती है. मतलब कि कैट गिव्स बर्थ टू कैट, डॉग्स गिव बर्थ टू डॉग. On the other hand, human beings give birth to human beings. ठीक है? Now, ये reproduction का जो process है means the process of giving birth to offsprings maybe of two types. It is known as asexual reproduction as well as sexual reproduction. Asexual reproduction can be seen in many animals like unicellular organisms, bacteria, fungi, yeast, protista, and others. Sexual reproduction is also majorly found, but it is found in higher plants and animals. Now, our next thing is importance of variation. Variation का मतलब होता है difference. हमने देखा है कि हाथी हाथी को जन्म देता है, डॉग डॉग को जन्म देता है, कैट कैट को जन्म देती है, एंड ह्यूमन बींग्स को जन्म देती है. ह्यूमन बींग्स की बात लगा लो, वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर फादर, ऑल्सो वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर मदर. ठीक है, वैसे ही डॉग्स एंड कैट्स के केस में होता है, वैसे ही एलिफेंट के केस में होता है, वैसे ही काउस के केस में. ठीक है, we are the same species, we are bearing the same features. उनके भी two forelimbs है, two hind limbs है, उनके पास दो आंखें हैं, हमारे पास भी दो आंखें हैं. ठीक है, उनके पास एक नाक है, उनके पास एक मुंह है, हमारे पास भी एक मुंह है, उनके पास एक stomach है, we are also having one stomach. Okay, this is the thing basically, but we are different. We are same in the case of features, but we are having variation. Why is variation important? Variation is important because it helps the species to survive. ठीक है? It helps the species to survive. Variation helps the species to adapt to different environmental changes. ठीक है? Sexual reproduction provides great scope for variation. पहले तो हो गई हमारी वेरिएशन की बात की वेरिएशन होता क्या है. वेरिएशन होता है डिफरेंस. नेक्स्ट थिंग इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड ग्रेट स्कोप फॉर वेरिएशन. कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से बहुत ज्यादा वेरिएशन है जो वो आ सकता है हमारे ऑफस्प्रिंग्स में. ओके, लाइक लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सी द फादर इज हैविंग ब्लैक कलर of skin and the mother is having fair color of skin. What will the offspring have? The offspring will have intermediate color of the skin. ठीक है, 50% of cases में it can have black skin. Black skin के कितने chances है? 25% of chances. And fair skin के भी 25% of chances है. Okay, अगर अगर इनके सपोज करो जो ब्लैक फादर है एंड फेयर मदर है, अगर उनके चार बच्चे हो रहे हैं,
चार में से चांसेस है कि दो का इंटरमीडिएट कलर होगा, एक का कलर ब्लैक होगा और एक का कलर क्या होगा, फेयर होगा। ठीक है, दिस इज वेरिएशन। कि कोई भी जो बच्चा है ना, वो ना ही टोटली मदर को रिजेंबल कर रहा है, ना ही टोटली फादर को रिजेंबल कर रहा है, दैट इज अ इंटरमीडिएट मिक्सचर ऑफ द टू। ठीक है, अब तो ये तो स्किन की बात थी, डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट बात हम करते हैं दैट हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, कंप्यूटर्स का जमाना है आजकल, है ना? अगर हमें कंप्यूटर्स ना सिखाए जाते होते तो फिर हम आज के जमाने में कैसे अडाप्ट करते? जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट अडाप्टेड टू द कंप्यूटर, तो उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है, तो फिर वो आजकल के काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ आवर जनरेशन इज वेरी मच सिमिलर टू रिचार्जिंग ऑनलाइन, स्टडिंग ऑनलाइन एंड डूइंग वेरियस ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन हम शॉपिंग भी कर सकते हैं लाइक दिस, बट आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट। तो क्या है कि अगर चेंज होगा ना, तो चेंज की वजह से ही हम अडेप्ट कर पाएंगे उस स्पीशीज को। अब देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, आजकल तो इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, लाइक इन नॉर्थ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली द पंजाब एरिया। पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड है जो बहुत कम होती है। पहले वाले जमाने में लाइक 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ ठंड थी वो ज्यादा थी एंड गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती थी। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उस तरीके से हमारे फीचर्स भी वैसे ही हो रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादा ठंड बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आजकल हम एसी का यूज करने लग गए हैं, तो आजकल के बच्चे एसी के बिना भी नहीं रह पाएंगे, तो वो बन ही कुछ इस तरीके से रहे हैं कि जो आजकल के जमाने के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। तो वेरिएशन इज द थिंग जिसकी वजह से कोई भी स्पीशीज है वो कहीं को अडेप्ट करता है। अगर सपोज करो एक जमाना चल रहा है जिसमें ना ही कोई कंप्यूटर्स यूज करता है, ना ही कोई फैंस यूज करता है, ना ही कोई लाइक ठंडा पानी वगैरह पीता है या ठंडा कुछ भी खाता है, तो आजकल के जमाने में वो तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन सर्वाइव बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन कंपेरिजन टू अदर्स। ठीक है, बाकी सारी चीजों का तो चल जाएगा, लेकिन जो मतलब गर्मी, फैन ना यूज करने वाली बात है, उसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज रियली इम्पोर्टेंट एंड विद टाइम वो हो रहा है। वेरिएशन हेल्प्स द स्पीशीज टू अडैप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस। जैसे कि मस्किटोस के अगेंस्ट हम मेडिसिन यूज करते हैं डीटीटी। अगर हम डीटीटी वाली मेडिसिन, ओके, आजकल के जो मस्किटोस हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द डीटीटी, एंड अगर वो अडेप्ट ना करते, जो मॉस्किटोज हैं वो ये डीटीटी रेजिस्टेंट जीन को ना पाते, तो आजकल के सारे मॉस्किटोज मर जाते और आज हमें आज के जमाने में मॉस्किटो देखने को ही नहीं मिलना था। बट द थिंग इज कि जैसे जैसे हम मेडिसिन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वैसे वैसे जो इंसेक्ट्स हैं या फिर वी कैन से बैक्टीरियाज, वायरसेस, वो अपने जेनेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग एंड वी आर ऑल्सो सर्वाइविंग। कि हम अपनी मेडिसिन को भी ज्यादा ऊंचा रख रहे हैं और जो बैक्टीरियाज हैं वो भी ज्यादा क्या हो रहे हैं, इवोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अडेप्टेशन कर रहे हैं। ये अडेप्टेशन किस वजह से हो रहा है? ये अडेप्टेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो रहा है। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बात आती है सेक्स की, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड जिसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं इन्वॉल्व, दैट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। ये सेक्स ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ये सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फॉर्म फ्यूज करके क्या बनाता है? जायगोट। देखो, हमारे पास एक मेल गैमीट बना और एक फीमेल गैमीट बना, ये दोनों फ्यूज करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? जायगोट। ओके, दे आर फॉर्मिंग द जायगोट, एंड ये जायगोट फर्दर क्या कर रहा है? जायगोट इज फर्दर डिवेलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये न्यू इंडिविजुअल में डिवेलप हो रहा है। On the other hand, asexual reproduction does not involve the formation of gametes.
ये कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन को इन्वॉल्व नहीं करता है. न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी और डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी. इसका क्या मतलब हुआ? आइदर डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट बॉडी, कि या तो पेरेंट का कोई पार्ट है वो उतर जाएगा, वो डिफर अभी वो अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उसी पार्ट से, ठीक है, या कोई पेरेंट बॉडी में आउटग्रोथ आ जाएगी जिसकी वजह से मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, पेरेंट खुद ही दो सेल में डिवाइड हो जाएगा. इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. These are the modes of asexual reproduction. Plants and animals from lower classes reproduce by asexual methods. जो lower classes वाले basically हमारे पास जो lower animals हैं, they reproduce with the help of asexual methods. And these asexual methods are binary fission, multiple fission, then fragmentation and then budding. पहले हम देखते हैं कि binary fission क्या होता है. Binary का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है. बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टूटना. तो बाइनरी फिशन में जो एक सेल है वो बेसिकली दो सेल में डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन. वन न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग इनटू द टू न्यूक्लियसेस, ओके. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. It is division of the parent cell into two identical daughter organisms. इसमें क्या होता है कि जो हमारा parent cell है वो खुद ही divide हो रहा है दो में. दो daughter cells एक तो parent को बिल्कुल identically resemble करेंगी, on the other hand खुद को भी identically resemble करेंगी, ठीक है. ये होती है कहाँ पे? ये होती है lower organisms में. For example amoeba, paramecium and bacteria. ओके, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. नाउ व्हाट इज मल्टीपल फिशन? पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस मेनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल प्लास्मोडियम वाइवैक्स, लेशमेनिया. अब देखो बाइनरी फिशन में क्या था? दो, मल्टीपल मतलब मेनी. ये पेरेंट सेल है जो बहुत सारे डॉटर सेल्स को फॉर्म कर रहा है, वो डॉटर सेल्स आर वेरी माइन्यूट इन नंबर, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली द मल्टीपल फिशन. मल्टीपल का मतलब मेनी, फिशन का मतलब अगेन टूटना. तो इसका मतलब है कि वैसी टाइप के डिवीजन जिसमें एक पेरेंट मेनी डॉटर्स में टूट रहा है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा, जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो टूट जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में. ईच फ्रेगमेंट डिवेलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. हर फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा. सपोज करो कि ये ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने तो दो पार्ट्स में दिखाया है, ठीक है, ये क्या कर गया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर गया. तो इसका इसका ये वाला पार्ट भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इसका ये वाला पार्ट भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा. सपोज करो अब अगर आगे जाके भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो ये फर्दर जाके क्या करेंगे? फुल न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे. इसके एग्जांपल है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी. इसको लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी, इट इज एग्जांपल ऑफ एल्गी, ठीक है. देखो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिशन में क्या पढ़ा था हमने? अमीबा एंड पैरामीशियम. मल्टीपल फिशन में क्या पढ़ा था हमने? प्लास्मोडियम एंड लेशमेनिया. फ्रेगमेंटेशन में हम पढ़ रहे हैं स्पायरोगायरा, बडिंग. बडिंग की भी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. लेट अस डू. आई वांट टू से कि जो भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हम कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशन एज वेल एज एग्जांपल्स, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है. हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉट टू बी इग्नोर्ड. अब देखो बड क्या होता है? अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड A bud arises on the parent body. ये पेरेंट की बॉडी है, पेरेंट की बॉडी पे छोटा सा आउटग्रोथ ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा. ये बड़ा होके पूरे पेरेंट की तरह ही बन जाएगा, है ना, और फिर ये कर जाएगा फाइनली डिटैच. यहां से ये टूट जाएगा और चला जाएगा सॉइल में,
या सबस्ट्रेटम पे. सबस्ट्रेटम क्या होता है, कोई भी चीज जहां पे इस ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है. हम जो भी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसी एग्जांपल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, जो ऑर्गेनिज्म्स हम आंखों से नहीं देख सकते, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते. ठीक है, फाइनली आपको पता चल गया व्हाट इज बडिंग. बडिंग इज एन आउटग्रोथ. द बड ग्रोज बाय रिपीटेड सेल डिविजन, क्योंकि देखो ये पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर पूरा पेरेंट से ही रिजेंबल करने लग गया. इट देन ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डिवेलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. ये पेरेंट बॉडी से टूट के एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. एग्जाम्पल हाइड्रा, स्पॉन्जेस, कोरल्स, यीस्ट. ओके, एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now let us go to the next part, regeneration. Regeneration का क्या मतलब है? आपने फेस क्रीम वाली एड में जरूर देखा, जरूर ये वर्ड सुना होगा, regeneration, repair and regeneration. Regeneration का मतलब होता है दोबारा बनना. re का मतलब दोबारा, generation का मतलब form. Generation of heat, generation of light, generation of gas. जनरेशन का मतलब होता है बनना, री का मतलब होता है दोबारा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में क्या फर्क है? देखो फ्रेगमेंटेशन में भी था कि एक पार्ट टूट गया, वो क्या बना रहा है, पूरी बॉडी बना रहा है. रीजनरेशन में भी है, एक पार्ट टूट गया, वो मतलब दोबारा से ग्रो कर जाएगा. ठीक है, प्लेनेरिया के केस में जो है ट्रू रीजनरेशन है कि प्लेनेरिया का हर पार्ट ग्रो कर लेता है दोबारा, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म है. अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी स्टूडेंट के बाल काट दिए गए या उसने कटवा लिए, वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे, वो बाल दोबारा से ग्रो कर जाएंगे. यस, वो बाल दोबारा से ग्रो कर जाएंगे. ठीक है, मतलब बाल जो है हमारे वो रीजनरेशन दिखाते. किसी के चोट लगी, वो चोट ठीक हो जाएगी, स्किन ठीक हो जाएगी. निशान हो सकता है पड़ जाए, बट इफ वी टेक प्रॉपर केयर, लाइक हम हमें बोला जाता है कि कोकोनट ऑयल लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ, या फिर अदर थिंग्स जो भी यूज करने को बोलते हैं, बेसिकली वो क्या करती है, वो सेल डिविजन को इनहांस करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इनहांस करती है, एंड सेल रीजनरेशन को करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ठीक हो जाती है दोबारा से. बट अगर किसी ह्यूमन बीइंग का हाथ कट गया, तो क्या वो दोबारा ग्रो कर पाएगा? नहीं. ठीक है, पैर कट गया, नहीं, वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा. किसी ने अपनी किडनी बेच दी, लंग्स खराब कर लिए, वो सब ग्रो कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, हम में भी रीजनरेशन है, बट अप टू सम एक्सटेंट, नॉट अलॉट. हमारा जो लिवर है, लिवर हैज द एबिलिटी ऑफ ट्रू रीजनरेशन. लिवर के थोड़े से पार्ट से हमारा पूरा लिवर ग्रो हो सकता है, दैट इज द थिंग. बट वी हमारा कोई और पार्ट है जो एक्सेप्ट बाल, वो रीजनरेशन नहीं शो करता. या ऑफकोर्स हेयर एंड द नेल्स. ठीक है, नाउ पढ़ते हैं इसको. वट इज दिस रीजनरेशन? इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स. Regeneration is carried out by specialized cells. ठीक है, special cells हैं, वो grow करते हैं, वो grow करके पूरी वही organ बना लेते हैं. अब छिपकली की पूंछ के बारे में सभी ने सुना है. ठीक है, lizard, इसीलिए यहाँ पे example है lizard, छिपकली की पूंछ दोबारा grow कर जाती है. Starfish, स्टारफिश आपने देखी है, स्टार शेप्ड की होती है, उसकी एक आम काट दो तो वो दोबारा ग्रो कर जाती है, लेकिन आम से पूरी स्टारफिश नहीं ग्रो करती. नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. बेसिकली हाइड्रा एंड प्लेनेरिया के केस में क्या होता है, ये प्लेनेरिया की ही एग्जांपल दिखा रखी है इन्होंने, कि अगर हम प्लेनेरिया को तीन पीस में काट दें, तो उसके तीनों पीस तीन प्लेनेरिया बना लेंगे. मतलब कि सिर वाला पैर बना लेगा, पैर वाला सिर बना लेगा, और सेंटर वाला सिर और पैर दोनों बना लेगा. ठीक है, दिस इज द थिंग, दिस इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन. कि सपोज करो अगर किसी ह्यूमन बीइंग का सिर कट गया, तो वो ह्यूमन बीइंग सिर भी दोबारा ग्रो कर पा रहा है, और एक सर से पूरा न्यू ह्यूमन बीइंग भी ग्रो कर पा रहा है. दिस थिंग इज रीजनरेशन. दिस इज फॉर्म्ड,
दिस इज फाउंड इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. पर अगर हम बात करें छिपकली की, छिपकली का सिर कट गया तो क्या उसका सिर दोबारा ग्रो कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा. कॉकरोच का सिर कट गया, वो ग्रो कर पा रहा है दोबारा से? नहीं कर पा रहा, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्रू रीजनरेशन. हाँ, कॉकरोच अपने सर के बिना रह जरूर सकता है 7 दिन तक जिंदा, बट दिस इज नॉट द थिंग कि वो क्या करेगा, मतलब वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकता. वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनरेशन हियर. अब देखो, स्पेशलाइज सेल्स रीजनरेशन करते हैं. ये सेल्स है, मास ऑफ द सेल्स फॉर्म करते हैं, जो वही जैसे छिपकली की पूंछ एक बार कट गई तो उसके ना स्पेशल सेल्स ग्रो करने शुरू करेंगे, पहले थोड़े 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 करके. उसके ऊपर क्या है, वो पूरी जो उसकी टेल वाली लेयर है वो ग्रो करनी शुरू कर जाएगी, ठीक है. फिर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी. प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की बात हमने कर ली कि अगर प्लेनेरिया को हम बहुत सारे पीसेस में काट दें तो उसका हर पीस एक प्लेनेरिया ग्रो कर लेगा, ठीक है. दैट वॉज अबाउट द रीजनरेशन पार्ट. Now, next thing is spore formation. Spore formation का मतलब है कि spores बनते हैं. Spores बनते हैं किसी भी body में, किसी भी organism की body में वो spores बनाते हैं. उठ के जब वो spore कहीं पे जाते हैं तो वो एक new organism बना देते हैं. होता क्या है, spore एक asexual organ होता है जो एक organism बनाता है. ये भी छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते. स्पोर्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन सैक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं. स्पोरेंजिया वो वाला बैग होता है स्पेशली किसी ऑर्गेनिज्म के पास होता है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है. स्पोरेंजिया एंड स्पोर, मतलब स्पोरेंजिया कैरीज द स्पोर्स, ठीक है. जब स्पोर बड़े हो जाते हैं तो वो बॉडी से बाहर निकल के, स्पोरेंजिया से बाहर निकल के क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं एंड एनवायरनमेंट में उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है. एनवायरनमेंट में आइदर बाय एयर और बाय वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस. फिर वो जहां पे भी सूटेबल फाउंड करते हैं, सॉइल हो गया या यहाँ पे ब्रेड दिखा रखा है ना. अच्छा देखो, अपनी ब्रेड वाला तो किया ही हुआ है. ब्रेड को अगर हम पैक करके रखते हैं प्रॉपरली फ्रिज में, फिर वो खराब नहीं होते. कितने दिन तक खराब नहीं होते? 3 से 4 दिन तक. चौथे दिन के बाद वो ब्रेड खराब हो ही जाता है, चाहे फ्रिज में पड़ा है या चाहे बाहर पड़ा है. अगर बाहर पड़ा है, फ्रिज 3 से 4 घंटे में खराब हो जाएगा. अगर उसको गीला करके रख दो तो और भी जल्दी खराब हो जाएगा. ये क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में जो हमें नहीं दिख रहा वो है क्या है, स्पोर्स, ठीक है, फंजाई के स्पोर्स. हम हर रोज सफाई करते हैं, घर के हर पार्ट की सफाई करते हैं. उससे क्या होता है कि जो भी स्पोर्स वगैरह होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, एक बार के लिए वो वॉश आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर सफाई नहीं करते रहेंगे अपनी बॉडी की एज वेल एज अपने एनवायरमेंट की, तो वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे. क्यों? क्योंकि उनकी उनका नंबर हो जाएगा ज्यादा. हमने अगर सफाई नहीं की, इसीलिए हमारा घर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है. स्पेशली खाने का सामान बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि फंजाई रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. इसीलिए इन्होंने ये ब्रेड दिखा रखा है. ब्रेड खराब हो जाते हैं क्योंकि ब्रेड के वो स्पोर्स को क्या चाहिए, स्पोर्स को एक अच्छा मीडियम चाहिए ग्रो करने का. देखो, फ्रिज के अंदर भी स्पोर ग्रो कर जाएंगे, बाहर भी स्पोर ग्रो कर जाएंगे, बट द थिंग इज कि फ्रिज के अंदर ठंडा होता है एनवायरमेंट, तो धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे. बट हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तो फ्रिज के अंदर वाले ब्रेड भी खराब हो ही जाएंगे, ठीक है. पर बाहर क्या है, बाहर पूरा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है उनको, अच्छे से टेम्परेचर मिल रहा है, अच्छे से उनको मतलब कि मॉइस्चर मिल रहा है, ह्यूमिडिटी मिल रही है, जिसकी वजह से वो फंजाई ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है. वही बच्चों की बात है, जो बच्चे हैं, ठीक है, लाइक प्रॉपर खाना खा रहे हैं वो बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं. जो बच्चे जल्दी मतलब प्रॉपर खाना नहीं खा रहे वो भी बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़े धीरे बड़े हो रहे हैं या कमजोर बड़े हो रहे हैं. तो दैट इज द थिंग, है ना. यही मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है. अब आपको पता चल गया कि जब भी स्पोर्स कहीं सूटेबल ग्राउंड पे या सूटेबल एनवायरनमेंट पे या सूटेबल सरफेस के ऊपर पैर रखते हैं अपना, वहां पे पैर रखते हैं मतलब कि बेसिकली जहां पे उनको सही लगता है, एनवायरनमेंट सही होता है जहां पे, वहां पे वो ग्रो करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू पूरा ऑर्गेनिज्म, आइदर फंजाई और प्लांट, वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं.
इसके एग्जांपल्स क्या है? मॉसेस, फर्न्स एंड फंजाई. ओके, नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब है? प्लांट्स के सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर. ठीक है, फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल पार्ट होता है. एंड स्टेम, रूट, लीफ, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, उसको हम बोलते हैं अगर कोई भी स्टेम, रूट या लीफ में से पूरी रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो गया. प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स. हम किसी भी पेड़ के अंदर बीज बोते हैं, है ना, तो वो सीड्स, वो मतलब बीज ग्रो कर जाते हैं पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में. बट अगर कोई प्लांट का पार्ट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करना है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट का मतलब क्या है? लीफ की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से या रूट की हेल्प से ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ लेट अस रीड अबाउट इट. सेवरल प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट्स. मतलब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं नेचुरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स की. रूट्स की हेल्प से एक पूरा न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हैं. रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ऐसी टाइप रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अगर कोई प्लांट का पार्ट वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? स्टेम होता है, रूट होता है एंड लीव होता है. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट ऑफ द प्लांट इज एबल टू ग्रो fully into a new organism, that plant is known to show the vegetative propagations. ठीक है, vegetative propagation show करने वाले organisms कौन कौन से हैं? Sweet potato, bryophyllum and ginger. ये तो हो गई हमारी examples. Examples के साथ साथ हमें इनके organs भी दिए हुए हैं. Roots, sweet potato है जो roots की help से grow करता है, ब्रायोफाइलम है वो लीव्स की हेल्प से ग्रो करता है, जो जिंजर है वो स्टेम की हेल्प से ग्रो करता है. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था. लेट अस हैव रिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, लास्ट से शुरू करते हैं रिवीजन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से पूरा कोई न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्पोर फॉर्मेशन, कई ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? स्पोर्स फॉर्म करते हैं. स्पोर्स फॉर्म करने से क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं तो हवा या पानी में चले जाते हैं. जहां पे भी जाके उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे जाके क्या कर जाते हैं? वो फुली ग्रो कर जाते हैं. स्पोर्स की एग्जाम्पल है फंजाई एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एग्जाम्पल तो ब्रायोफाइलम, जिंजर एंड स्वीट पोटैटो. नेक्स्ट थिंग इज रीजनरेशन. रीजनरेशन का क्या मतलब है? रीजनरेशन का मतलब है कि कोई भी किसी प्लांट, किसी एनिमल ने क्या किया? अपना कोई पार्ट लूज कर दिया. ठीक है, खो दिया. तो रीजनरेशन से क्या होएगा? उसका वो पार्ट दोबारा से ग्रो कर जाएगा. ठीक है, जैसे कि किसमें होता है? लिजर्ड में होता है, स्टारफिश में होता है, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा में होता है. बड क्या होती है? बड होती है एक आउटग्रोथ. बेसिकली कुछ भी जो बॉडी के बाहर ग्रो कर रहा है, पहले वो छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर फुली वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिजेंबल करना शुरू कर देता है. जब ये कुछ ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो ये टूट के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है. इसके एग्जांपल क्या है? हाइड्रा, स्पॉन्जेस, कोरल्स एंड यीस्ट. कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन सीज. दे आर बेसिकली एनिमल्स. ठीक है, देन इज फ्रेगमेंटेशन. एडल्ट ऑर्गेनिज्म, हाँ, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट है वो टूट गया, पूरी उस बॉडी पार्ट से ही पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है.
इसकी एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, एंड स्पायरोगायरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी. देन इज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन का मतलब है कोई भी पेरेंट है जो वो दो डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज बाइनरी फिशन. मल्टीपल फिशन का मतलब है कोई भी पेरेंट है वो मेनी डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है, दैट इज मल्टीपल फिशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे किसी भी मेथड से हो रही है, उसमें क्या होता है, जो भी हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, ऑफस्प्रिंग बना है, जो बेबी ऑर्गेनिज्म बना है, दैट इज टोटली रिजेंबलिंग द पेरेंट्स.